हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरके निटिंग क्रिएशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये 10 के मल्टीपल फंदे डाल के और 5 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। ये मैंने यहाँ पे 10 10 प्लस 5 तो 25 फंदे डाले हैं। ये मैंने 4 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, एक फंदा उल्टा एक सीधा। जब भी आप अपने प्रोजेक्ट में फंदे डालें तो 10 के मल्टीपल प्लस 5 फंदे डाल के डिजाइन को बुनना शुरू करेंगे। डिजाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए तो अब इस डिजाइन को बुनना शुरू करते हैं। ये सीधी तरफ है, सीधी तरफ से हम ये फर्स्ट रो बुनेंगे, तो इस रो को हम यहाँ से पूरी रो को सीधा बुनते जाएंगे। धागा पीछे रखेंगे, सीधा बुनेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आता है। आप इसको कार्डिगन में, जैकेट में, जेंट स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, किसी में भी आप इसको डालिए, बच्चों के स्वेटर में, उसी में ये बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है और बनाना बहुत ही आसान है। ये हमारी पूरी रो सीधी सीधी बन के कंप्लीट हुई। ये हमारी यहाँ पे फाउंडेशन रो है। डिजाइन के फंदे हम बैक साइड से यानी रोंग साइड से बुनना शुरू करेंगे। रोंग साइड से ही हम अपने फंदों को एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो सीधी सीधी बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम रोंग साइड में। ये है हमारी, यहाँ से अब हम फंदों को एडजस्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये 5 फंदे उल्टे हैं। 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे उल्टे। स्टार्टिंग में 5 सीधे, फिर 5 उल्टे। अब फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 और 5, फिर धागा पीछे, लास्ट के 5 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट के फंदे को उतार लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे हैं ये, अब हम सीधी साइड हैं, ये थर्ड रो है। जो फंदे बीच में हमारे ये सीधे हैं, यहाँ पे उल्टे हैं, उल्टे फंदे गैप के रहेंगे और सीधे फंदों पर हमने डिजाइन को बुनना है। तो यहाँ पे अब ये सिलाई सीधी तरफ से पूरी सिलाई को हम सीधा बुनते जाएंगे। इसको पूरी को सीधा बुन लेंगे। ये हमारे सीधी तरफ से रो बन के कंप्लीट हुई। पूरी रो को हमने ऐसे सीधा बुन लिया। अब आएंगे हम बैक साइड में। तो बैक साइड में देखिए फ्रेंड्स, जैसे फंदे यहाँ हमारे सीधी तरफ हैं, जो सीधे फंदे हैं उल्टे फंदे हैं, तो उल्टे फंदे हैं जो वहाँ से सीधे बन जाएंगे और जो सीधे हैं वे उल्टे बन जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम ये 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 3 4 5। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, जो फंदे यहाँ से सीधे हैं वो यहाँ से उल्टे बनेंगे, 1 2 3 4 5। अब धागा पीछे करेंगे, ये बीच के गैप के फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे फिर उल्टे। जैसे हमने फंदों को सेट किया था, ये उल्टी तरफ से ऐसे ही बनते जाएंगे। लास्ट के 5 फंदे फिर सीधे। ए, तीन,
चार और पांच। अब आएंगे हम सीधी तरफ, तो चार सिलाइयां हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, पांचवी और छठी सिलाई को भी ऐसे ही बुनेंगे। ये सिलाई हमारी सीधी तरफ से पूरी सीधी बनेगी और बैक साइड से पांच उल्टे पांच सीधे बनेंगे। यहां से इस पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। ये पूरी रो हमारी सीधी बनती जाएगी। ये हमारी सीधी सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम छठी सिलाई पर, तो छठी सिलाई को फिर से ऐसे ही बुनेंगे, पांच फंदे सीधे, पांच फंदे सीधे और पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे, फिर से दो पांच फंदे सीधे, ऐसे पांच सीधे पांच उल्टे करते हुए कंप्लीट करेंगे। ये हमारी छह सिलाइयां बन के कंप्लीट हुई। सीधी तरफ से सभी सिलाई हमने सीधी सीधी बुनी है और बैक साइड से हमने पांच सीधी पांच उल्टी बुनी है। तो अब यहाँ पे डिजाइन बनना शुरू होगा। सातवीं सिलाई है, ध्यान दीजिएगा। बनेगी ये भी सिलाई हमारी सीधी तरफ से सीधी, तो पांच फंदे सीधे बुनेंगे। अब जो ये पांच फंदे सीधे हैं, इनके ऊपर हमने डिजाइन बनाना शुरू करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेंटर का फंदा है, ये पांच फंदों के बीच में दो फंदे छोड़ेंगे इस साइड, दो इस साइड। जो सेंटर में फंदा है, इसके फोर्थ होल में सिलाई डाल के यहाँ पे ऐसे लोप का फंदा बना लेंगे। ऐसे इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे और फिर इन पांच फंदों को सीधा बुनेंगे, दो तीन चार और पांच। फिर से इसी जगह से ऐसे सिलाई पकड़ेंगे और ऐसे लूप का फंदा फिर से बुन लेंगे, ऐसे बनाएंगे। फिर से पांच फंदे ये सीधे, सीधी तरफ से सिलाई हमारी हर बार सीधी ही बनेगी, सिर्फ यहाँ पे डिजाइन डलना स्टार्ट हो गया। अब फिर ये पांच फंदे हैं, तो बीच वाले सेंटर के फंदा, जो तीसरा फंदा है, इसके यहाँ पे फोर्थ होल में निडल डालेंगे और लूप का फंदा ऐसे बुनेंगे। इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे और फिर ये पांच फंदे सीधे बुन देंगे, एक दो तीन चार और पांच। फिर से इसी जगह से लूप का फंदा बनाएंगे, ऐसे लूप वाले फंदे को बुनेंगे नहीं, ऐसे ही डालेंगे। लास्ट के पांच फंदे फिर से सीधे, तो सिर्फ हमने लूप के फंदे बढ़ाए हैं इसके अंदर, वैसे हमारी पूरी रो सीधी ही बन के आई है। अब आएंगे हम बैक साइड में, तो बैक साइड में फिर से जो ये पांच फंदे हैं, इनको सीधा बुनेंगे। बैक साइड से तो हमारी पांच सीधे पांच उल्टे की चलेगी। अब सिर्फ जो लूप के फंदे हैं, उन फंदों को हम बुनेंगे नहीं, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये लूप का फंदा ऐसे उतार लेंगे। फिर पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार और पांच। अब ये जो लूप का फंदा है, इसको फिर से ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, पांच फंदे फिर सीधे, एक दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये लूप का फंदा फिर से स्लिप करेंगे और पांच फंदे उल्टे बनेंगे, एक दो तीन चार पांच, लूप वाले फंदे को फिर स्लिप करेंगे। अब धागा पीछे करेंगे, लास्ट के पांच फंदे फिर से सीधे। ये हमारी आठवीं सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम सीधी तरफ नौवीं सिलाई में, यहाँ पे इन फंदों को सीधा बनाते जाएंगे, सीधी तरफ से सीधी ही सिलाई बनती जाएगी। अब जो ये लूप का फंदा है, इस फंदे को लेंगे ऐसे और इसको पलट लेंगे, ताकि ये हमारा
बुनने के बाद सीधा फंदा नजर आए, और इसके साथ में जो सीधा फंदा है इस फंदे के साथ इसको बुन देंगे ऐसे। फिर से तीन फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये एक सीधा फंदा है, एक लूप का है, इनको आगे की तरफ से ऐसे दो का एक करेंगे। फिर से पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और पांच। अब जो ये लूप का फंदा है इसको लेंगे ऐसे और इसको पलट लेंगे, और इसके साथ में जो सीधा फंदा है इसके साथ इसको दो का एक सीधा बुन देंगे ऐसे। फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो और तीन। अब ये एक लूप का फंदा है, एक सीधा है, इसको आगे की तरफ से ऐसे ही सिलाई डाल लेंगे और इसको सीधा बुन देंगे। फिर से पांच फंदे सीधे, ये हमारी नौवीं सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। दसवीं सिलाई बैक साइड, फिर से आएंगे वैसे ही बुनेंगे, पांच फंदे सीधे, पांच फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, अब फिर पांच फंदे उल्टे, पांच सीधे, ऐसे ही बुनते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी दसवीं सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब आएंगे हम सीधी तरफ। अब फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से डिजाइन डलेगा, ये पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच। अब जो ये हमारे पांच फंदे हैं डिजाइन वाले, इनमें से दो फंदे हम बुन लेंगे, एक दो। अब जो तीसरा फंदा है इसके नीचे जाएंगे इस होल में जिसमें हमने पहले डाले थे, उसी में से फंदा बुन लेंगे ऐसे, और इस फंदे को लूप का फंदा ही रखेंगे। फिर इन तीन फंदों को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ पीछे ही रखेंगे, और ये पांच फंदे फिर से सीधे। बहुत ही आसान डिजाइन है, और बनने के बाद बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आता है। किसी भी प्रोजेक्ट में आप डालोगे बहुत ही प्यारा डिजाइन बनेगा। ये पांच फंदे हैं, इसमें से दो फंदे फिर से बुन देंगे, एक दो। अब जो तीसरा फंदा है इसके नीचे जाएंगे यहाँ जहाँ से हमने पहले लूप बनाया था, इसी फंदे में से लूप का फंदा बुनेंगे, और इस फंदे को लूज रखेंगे। फिर इन तीन फंदों को सीधा बुनेंगे, एक दो तीन। यहाँ पे हमने एक ही लूप बनाना है, लास्ट के पांच फंदे फिर से सीधे। ये हमारी ग्यारहवीं सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब आएंगे हम बारहवीं सिलाई पर। बारहवीं सिलाई को फिर से ऐसे ही बुनेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जो ये पांच फंदे हैं इनके बीच में लूप है, तो ये तीन फंदे बुनेंगे और लूप वाले फंदे को स्लिप करेंगे ऐसे। फिर से दो फंदे उल्टे बुनेंगे, अब धागा पीछे करेंगे, फिर से पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब ये लूप का फंदा है, इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे, और दो फंदे फिर से उल्टे, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे। बैक साइड से सभी सिलाइयां हमारी उल्टे सीधे की बनती आएगी, पांच सीधे पांच उल्टे पूरे प्रोजेक्ट में। अब आएंगे हम सीधी तरफ। ये हमारी सीधी तरफ है, धागा पीछे करेंगे और ये पांच फंदे सीधे बनाएंगे। अब जो ये दो फंदे हैं स्टार्टिंग में, इनको बुनेंगे, और अब ये जो लूप का फंदा है इसको लेंगे ऐसे पलटेंगे, और इसके साथ वाले फंदे के साथ दो का एक सीधा बुन देंगे ऐसे। फिर से दो फंदे सीधे, एक दो। अब ये पांच फंदे हैं, इन पांच को भी सीधा ही बुनेंगे।
अब फिर ये दो फंदे फिर से सीधे। अब जो ये लूप का फंदा है बीच में, इसको लेंगे ऐसे पलटेंगे और इस बीच वाले सेंटर वाले फंदे के साथ दो का एक करेंगे, फिर से दो फंदे सीधे। अब ये लास्ट के पांच फंदे हैं गैप के, इनको भी सीधा बुनेंगे। तो सीधी तरफ से हमारी पूरी सिलाई सीधी ही बन गई। अब आएंगे हम बैक साइड में 14वीं सिलाई पर, 13वीं सिलाई पर सॉरी। ये पांच फंदे, एक दो तीन चार और पांच, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जो ये पांच फंदे हैं इनमें से दो फंदे बुनेंगे, एक और दो। अब जो ये सेंटर का फंदा है जिसमें हमने पहली बार अब ये लूप बनाया था, जो बीच में फंदा है, इस फंदे में से हम नौ फंदे बनाएंगे, एक धागा घुमाएंगे, दो धागा घुमाएंगे, पांच धागा घुमाएंगे, छः, ये सात धागा घुमाएंगे, आठ, फिर से बुनेंगे नौ। तो ये हमारे नौ फंदे बन गए। इसको ऐसे उतार लेंगे। अगर यहाँ से ही हम इसमें डालेंगे तो परेशान होंगे, इसको सीधी तरफ ले आएंगे ऐसे, और इस नीडल में इनको वापस से नौ फंदों को डाल लेंगे। सीधी तरफ से डालने में इसमें आसानी से ये फंदे ऐसे डल जाएंगे। अब फिर डले डले वापस बैक साइड में आ जाएंगे और इन नौ फंदों का एक फंदा उल्टा बुन देंगे। ये ऐसे नौ का एक बुनेंगे और फिर इसको उतार देंगे, फिर से दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर से पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और पांच। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे। अब जो ये सेंटर का फंदा है इसमें फिर से नौ फंदे बनाएंगे, एक दो, बुनेंगे तीन, घुमाएंगे चार, बुनेंगे पांच, फिर से घुमाएंगे छः, बुनेंगे सात, फिर से धागा घुमाएंगे आठ और बुनेंगे नौ। ये नौ फंदे बना लिए। अब इसको उतार देंगे, इन फंदों को थोड़ा सा लूज बुनेंगे। अब हम ऐसे ही सीधी तरफ इसको वापस पलट लेंगे और सीधी तरफ से इस सिलाई में इन नौ फंदों को डाल लेंगे। ऐसे नौ फंदों को डाल के फिर वापस बैक साइड में आ जाएंगे और इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे। नौ का एक फंदा यहाँ पे हमारा ये बुन गया ऐसे। अब फिर ये दो फंदे फिर से उल्टे, धागा पीछे, लास्ट के पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और पांच। 13 सिलाइयां बन चुकी हैं और डिजाइन हमारा ऐसे बन के आएगा। अब ये है लास्ट रो। इस लास्ट रो को हम सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 14वीं सिलाई है कंप्लीट। हमारा डिजाइन हो चुका है। जो हमने स्टार्टिंग में रो डाली थी, फर्स्ट रो सीधी तरफ से सीधी, अब ये वो रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फिर बैक साइड में जाएंगे तो दोबारा से डिजाइन स्टार्ट करेंगे। अब हमारा ये यहाँ से दोबारा से स्टार्ट डिजाइन हो गया है। ये पूरी रो हमारी सीधी सीधी बन गई। एक बार डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, ये यहाँ से दोबारा से बनना शुरू हो गया है। अब आएंगे हम बैक साइड में, यहाँ से फिर से वैसे ही फंदों को एडजस्ट करेंगे, पांच सीधे, पांच उल्टे, पांच सीधे। तो हमारा 14 सिलाइयों का डिजाइन था, बहुत ही प्यारा डिजाइन। जब आप इन 14-14 सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो हमारा ऐसे ये प्यारा सा डिजाइन बन के आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आया है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए,
इसको आप लेडीज कार्डिगन में डालिए, लेडीज जैकेट में डालिए, जेंट स्वेटर में डालिए, बेबी स्वेटर में डालिए, फ्रॉक में डालिए, बेबी कैप टॉप में डालिए। बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आया है और बनाना आसान है, सिर्फ उल्टे और सीधे फंदों के साथ ही डिजाइन बनता जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा डिजाइन है, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल लीजिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।